ऐसा राजा होऊंगा जिन्होंने अपनी प्रजा को भगवान के दर्शन कराए होंगे। बड़ा खुश हुआ, उन्होंने पूरी प्रजाओं में घोषणा करा दी कि भाई सोमवार के दिन उस पहाड़ी पर आ जाना, नील नीलकंठ वाली पहाड़ी पर, वहां भगवान दर्शन देने वाले हैं सबको, सब आ जाना। फिर क्या था, सब खुशियां मनाने लगे, अब तो भगवान के दर्शन होंगे। चारों तरफ से लोग तैयार हो गए, पूरी की पूरी जमात, पूरी पब्लिक तैयार हो गई। कैसे जाना, मार्ग तय हो गया, कोई विवाद नहीं करेगा, कोई भगदड़ नहीं करेगा, शांति से भगवान के दर्शन करेंगे। सब तैयार हुआ और ठीक सोमवार के का समय आया, सवेरे 8 बजे में राजा निकले अपनी सवारी से दर्शन के लिए और हंगामा करते हुए सब चलो। फिर क्या था, भीड़ लग गई। जैसे नीलकंठ जाता उसके पहले ही भगवान की ऐसी लीला, क्या देखते हैं कि तरह तरह के फल इधर उधर बिखरे हुए हैं। अरे भूख लगी, थोड़ा फल तो खा लो भाई, फिर अपन आगे चलेंगे। सब फल खाने में लगे, कुछ आगे बढ़े तो कुछ और सुंदर सुंदर कीमती पदार्थ, मोतियां बिखरी हुई, तो लोग मोतियों को बटोरने लगे। आगे गए तो उससे कीमती कीमती आभूषण, चांदी के आभूषण, तो लोग अरे चांदी उठाओ उठाओ उठाओ, लोग अपना अपना झोला भरने लगे चांदी से। राजा कहे कि भाई भगवान के दर्शन का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। अब तो झोला भर लिया तो पैदल भी नहीं चला जा रहा लोगों से, कोई सोचे कि चलो पहुंचा के आते फिर दर्शन कर लेंगे। और आगे बढ़े, देखा कि आधे लोग छूट गए। फिर क्या, सोना ही सोना दिखाई दे, तो अब बाकी लोग सोने पे टूट पड़े। भाई सोना तो कीमती है और माताएं तो सोना छोड़ नहीं सकती है, चाहे जिंदगी भर सोना छोड़ दे लेकिन सोना नहीं छोड़ेगी। वही चाहे जिंदगी भर सोना छोड़ दे लेकिन सोना नहीं छोड़ेगी। फिर क्या था, सब टूट पड़ी। राजा ने कहा अरे ये क्या, कोई नहीं मेरे साथ, सिर्फ रानी साहिबा पीछे पीछे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर क्या था, हीरे हीरे दिखाई दिए, बस रानी साहिबा हीरे के साथ लग गई। हीरा बेचारा राजा कहते रह गए अब टाइम हो गया प्रभु के मिलने का, लेकिन कोई आ नहीं रहा। राजा अकेले घोड़े से भागते भागते, लेट तो थोड़े पहुंचे पहाड़ी पे नीलकंठ, भगवान तैयार दर्शन देने के लिए। प्रणाम किया, कहा कि राजन कहाँ है तुम्हारी प्रजा। कहा प्रभु धन्य है आपकी माया, ये जो आपकी दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, आपकी दुरत्ति माया को पार कौन पा सकता है। या तो प्रभु आपसे लोगों को सब कुछ चाहिए, आपको आप किसी को नहीं चाहिए। हमने मंदिरों में जाकर लोगों को रोते देखा है, भगवान के दरबार में जाकर रोए तो बहुत देखे लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं रोया। दुर्भाग्य है, भगवान के पास रोते हैं, कन्हैया के पास कन्हैया, लेकिन कन्हैया के लिए नहीं रोते। बिछड़ा यार मिला दे, वो मिल जाए, वो छूट गया, चोरी हो गई, धन संपत्ति परिवार के लिए रोते लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं रोता। दर्शन करने जाते, अपना हाल सुनाने के लिए जाते मंदिर में, कभी भगवान का हाल पूछा कि और वारो मालो मारो वालो केम छो तमे, पूछा कभी? कैसे 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 हो तमे मने माया लगाड़ी रे, आपने मुझे माया लगाई लेकिन आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? तो भगवान से प्रेम, भगवान की वस्तुओं से प्रेम नहीं,
तो भागवत की रचना करने के बाद वेद व्यास जी चिंतित हुए कि वास्तव में सच्चा प्रेमी भगवान का कौन है। पता लगाया, बहुत चिंतन किया, तब देखा अरे ऐसा वास्तव में सच्चा प्रेमी महादेव के अलावा कोई नहीं हो सकता है। महादेव फिर क्या था, शिवजी ना, व्यास जी की आंखों में अश्रु आ गया, शिवजी। और अपना जो सबसे बेस कीमती होता है पदार्थ, अपना उत्तराधिकारी को आदमी देता है। उत्तराधिकारी दो ही हो सकता है, या तो पुत्र या फिर शिष्य, दो ही हो सकता। मेरे शिष्यों में ऐसा कोई दिख नहीं रहा। शिवजी मेरे शिष्य बने ये तो संभव नहीं, वो तो परम ज्ञानी है, शिष्य कैसे बन सकते हैं। लेकिन पुत्र तो बनी सकते हैं, वो बुढ़ापे में वेद व्यास जी कैलाश की पहाड़ी तरफ प्रयाण किए और हिमालय में बैठकर महादेव को मनाने लगे। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। शिव जी के प्रति, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम जागृत हुआ है। वेद व्यास जी ने ठान लिया कि हमको शिव जी चाहिए। फिर क्या था, शिव जी तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न हो गए, आए, दर्शन दिए। बाबा क्या चाहिए, बोले बाबा हमने एक ऐसा ग्रंथ निर्माण किया है, हम चाहते इस भक्ति का प्रचार, इस परम प्रेम का प्रचार कोई आपके ऐसा महापुरुष करे, और वो आपके ऐसा कोई पुत्र मुझे मिल जाए जिसको मैं यह ज्ञान, अनुपम ज्ञान दे सकूं। शिवजी ने कहा अच्छा मेरे जैसा पुत्र, आप सरिस खोजो कहां जाई, मेरे ऐसा तो मैं ही हूं, तो क्या मुझे, मेरी क्या औकात है कि आपको मैं कहूं कि मेरा बेटा बन जाए। लेकिन प्रभु कृपा जरूर करना। महादेव खुश हो गए, चलो आपके ऐसे मुझे पिता बन मिल जाए तो मैं पुत्र बनने के लिए भी तैयार हूं। और महादेव वेद व्यास जी के यहां, अरुणी देवी के यहां पुत्र बन करके प्रकट हो गए। उनका नाम पड़ा सुखदेव। बोले सुखदेव भगवान की जय। आहा हा, जन्म से ही इतने विरक्त, देखने में क्या सौंदर्य है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम कहा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा चरे
कामना कुछ और मांगो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। मन में है कामना कुछ और जानो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। बोले मेरे बाबा Oh.
शंकर भगवान के हर हर महादेव हर हर महादेव। आहा शिव जी, शंकर भगवान एक ऐसे देव हैं जिन्होंने कभी ये नहीं कहा तुम ऐसे बनो, तुम वैसे बनो, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, तुम्हारी जैसी मर्जी तुम वैसे रहो, लेकिन प्रेम करते रहो। शिव जी ने यह संदेश दिया, देश में हो, विदेश में हो, जिस रूप में हो, शिव जी के भक्त हर रूप में मिल जाएंगे आप, हर रूप में। कोई देवता है तो भी भगवान शिव को मानता है, मनुष्य है तो मानता है, राक्षस है तो मानता है, यक्ष किन्नर गंधर्व है तो मानता है, पशु पक्षी है तो मानता है, कहां तक कहूं सांप और गोजर है वो भी शिव को मानता है, और क्या बताऊं, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी जिससे लोग नफरत करते हैं, दूर से नाम नहीं लेते, वो भी शिव से प्रेम करते हैं, महादेव उसको भी अंग लगाते हैं। अंग बभूति गले रुंड माला शीश नाग लटकावे, क्या बात है, शिव जी ऐसे प्रेमी हैं। तो ऐसे जो परमहंसों का प्रेम होता है वैसा प्रेम शिव जी में था। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, और सुखदेव स्वामी जब प्रकट हुए तो जन्म से ही सौंदर्य अनुपम सौंदर्य लिए हुए। आपको बताऊं शिव जी का स्वरूप कैसा है, कर्पूर गौरम कैसा, कपूर समझते हैं आप, देखे होंगे आप जलाते कैसा रंग है उसका, काला काला नहीं, फिर कैसा है, कैसा है, सफेद है, श्वेत है, कर्पूर की तरह सफेद रंग था हमारे महादेव का। लेकिन किसी भी फोटो में आज तक शिव जी को सफेद देखा आपने, नहीं देखा, क्या हुआ, कैसा देखा, श्याम सुंदर देखा, क्यों मालूम है, क्या कारण है? विष तो क्या करेगा, विष तो कंठ में ही रह गया। दरअसल में प्रेम श्याम से करने लगे तो संग का रंग तो लगता है ना साहब, जैसा करेंगे संग वैसा लगेगा रंग आपके ऊपर। प्रेम श्याम से हो गया तो अपना भी रंग श्याम हो गया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, लाल न रंगाओ मैं हरी न रंगाओ, श्याम पिया मोहि रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में। जिसका चिंतन करते हैं उसका रंग लगता है, और भोलेनाथ श्याम सुंदर का चिंतन करते 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 श्याम हो गए। इसलिए सुखदेव बनकर जब प्रकट हुए तब भी श्याम ही रहे, और इतने सुंदर दिखने लगे कि वेद व्यास जी ऐसे महान ज्ञानी भी मोहित हो गए, मुक्त हो गए, और प्यार से कहने लगे सुख मेरा पुत्र, सुख सुख रुको ठहरो जरा देखो तो। लेकिन ये तो परम सिद्ध महापुरुष महादेव थे, जन्म लेते ही अपने आप बड़े हो गए और चल दिए। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरभोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम् मुनि मानतोस्मि। पुत्रेति तन्मय, तन्मय होकर के
प्रेम से अधीर हो गए, कहने लगे पुत्र पुत्र सुख सुख। रुकिए, रुके नहीं, चल दिए, इतना वैराग्य, चल दिए, रुके नहीं। अभी तो कोई संस्कार ही नहीं हुआ था, जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, बन चले गए। जा रहे थे रास्ते में, स्त्रियां स्नान कर रही थी नदियों में, सरोवर में, कुछ स्त्रियां महिलाएं नंग धड़ंग चले गए उधर से होते हुए। वेद व्यास जी पीछे से, रुको बेटा रुको रुको। वेद व्यास जी को देखा तो फटाफट माताएं अपने तुरंत कपड़े बदलने लगे, अपने आप को ढकने कपड़े। तो वेद व्यास जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि तुम सब, अभी तुम्हारे बीच से मेरा एक पुत्र, युवान पुत्र 12 वर्ष का, जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में परमहंस होकर के यहां से निकला है, तुम में से किसी ने उनसे कोई पर्दा नहीं किया, और मैं तो बूढ़ा हूं, तुम्हारे बाप दादा लगता हूं, लेकिन मुझे देखकर तुमने तो दूर से ही पर्दा, क्या बात है। उन स्त्रियों का बड़ा सुंदर उत्तर था, कहा बाबा जो अभी गए हैं ना परमहंस, उनकी नजरों में कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं, क्या पर्दा करना उनसे, लेकिन आप तो सामाजिक हैं, आपके नजरों में तो स्त्री पुरुष का भेद है बाबा, इसलिए मुझे भेद का भाव तो रखना पड़ता। उसकी नजरों में तो भेद ही नहीं है, भेद का भाव कहां से रहेगा, यही अंतर है। बाद में सुखदेव स्वामी को वन से वापस बुलाने के लिए वेद व्यास जी ने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक पढ़ाकर भेजा, और उन शिष्यों ने जंगल में वह श्लोक जब गाए, आहा, सुखदेव जी का मन मुक्त हो गया कि भगवान का ऐसा स्वरूप है, मुझे जाना चाहिए। बरहा पीडम नट बर वपो करणयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपुषम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेनो रधर सुधय पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद् गीतके। ऐसा स्वरूप, बांसुरी बजाते हैं, मुरली मनोहर है, श्याम सुंदर है, नृत्य करते हैं, गाते हैं, सबको खुश करते हैं, वृंदावन में निवास करते हैं, बड़े प्रसन्न हुए। ध्यान समाधि तोड़ करके बच्चों से पूछा, और कैसे भगवान, का आहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साधु लेभे गतिम धातृचुताम तमोध कम वा दयालुं शरण ब्रजेम। भैया जो विष पिलाने के लिए आई हुई पूतना को भी परम गति प्रदान करते हैं, ऐसे दयालु के शरण में न जाए तो फिर कहां जाए। किसकी शरण में जाए, दीन को दयालु दानी दूसरो न को। दीन का दाता दयालु कौन है दूसरा भला, जरा सोचिए तो, कोई नहीं है। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब
माया विवस गुसाई तिनके हाथ दास तुलसी को। ये जितने देव दनुज मुनि नाग गण मनुष्य ये सब माया के विवस हैं, पराधीन हैं, माया विवस बिचारे और तिनके हाथ दास तुलसी को अपन पो हरे। राम जी से कहने लगे, गोस्वामी जी क्या आप चाहते कि मैं इनके सामने जाकर गुड़गुड़ाऊं, आपको छोड़कर के मैं इनके पास जाऊं जो माया के पराधीन है, विवश है, बेचारे हैं? बोलिए तो। यही अति दीन प्यारे, किसको दुनिया में किसको दीन ही प्रिय है? सब कोई बड़ों बड़ों से प्रेम करना चाहता है, सब कोई सुंदरता को से प्रेम करता है, कोई है आपके अलावा? जे ही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सुश्री भगवान। सुखदेव स्वामी ने निश्चय किया उनको दीन ही नहीं प्रिय है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की, इतना उनका संकल्प है। जिसका कोई नहीं होता उसका श्री राम होते हैं, उसके भगवान होते। हाँ, कभी ऐसा नहीं कहना कि मेरा तो कोई नहीं दुनिया में, भगवान तो कहते रे बावरे मैं तो तुम्हारे साथ हूं, मोको कहा ढोड़े बंदे मैं तो तेरे पास हूं। सुखदेव स्वामी ने कहा कि भाई मुझे मिलना है प्रभु से, मिलवाओगे? कहा कि वो तो गुरु जी मिलाते हैं, हम कैसे मिला सकते हैं? भगवान से मिलाने का काम तो किसका है? गुरु जी का है, मेरा नहीं। हम तो केवल उनके इशारे का गायन करते हैं, गुरु के दिए हुए मंत्रों का गायन करते हैं, श्लोकों का। चलिए, हाँ चलिए, साथ में ब्रह्मचारियों के साथ में सुखदेव भगवान आज आश्रम में आए, दर्शन किया। वेद व्यास जी ने देखा कि अरे आज सुखदेव जी आए, उठ करके अभिनंदन किया, उत्सव मनाया आश्रम में। और फिर सुखदेव स्वामी को भागवत का पूरा ज्ञान कराया। भागवत में जो वर्णन है महाभारत के अंतिम दिन, वहां सारे के सारे महारथी अतिरथी अधरथी सब मारे जा चुके थे। दुर्योधन अब अंतिम सांस गिन रहा था। अंतिम समय में जहां आकाश में पक्षी मांस का टुकड़ा लिए लिए कोई हाथ लेकर कोई पैर लेकर उड़ रहे हैं आकाश में गिद्ध, और ऐसे भयानक दृश्य से भागवत की शुरुआत करते हैं। हाँ, भयानक रस्ते। तभी उधर से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आए, कहा कि मित्र क्या हुआ, बोलो मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। दुर्योधन ने कहा कि इच्छा एक है, मैं कौरव 100 भाई, लेकिन आज 100 का 100 भी समाप्त हो जाएगा, 100 भाई हम, लेकिन हमारे शत्रु मात्र 5 भाई हैं, लेकिन वो आज भी 5 के 5 हैं, हमने एक कम नहीं कर पाए।
बस यही दर्द। उसने कहा यही बात थी, तुम तो मुझे मौका देना था ना, तुमने तो कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। आज तक तुमने जितने सेनापति बनाए वो सब अर्जुन की भलाई चाहते थे, चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य क्यों ना हो, वो भी अर्जुन के को आशीर्वाद देते, मुझे मौका। दुर्योधन ने कहा ऐसी बात है तो जब तक राजा जीवित होता है तब तक युद्ध पूरा नहीं होता है, जाओ अपने जंघे के खून से तिलक कर दिया है। अब गया रात्रि में प्रतीक्षा करके, आज पांडवों की विजय हुई, भगवान पांडवों को लेकर बाहर चले गए, यहां जश्न नहीं मनाना। पांडवों के पांच बच्चे जो बिल्कुल पांडव की तरह, भीम का बेटा भीम की तरह, अर्जुन का बेटा अर्जुन की तरह दिखे, आए देखा पिता नहीं है, तो पांडवों के कक्ष में उन्हीं के बिस्तर पर सब सोए। रात्रि में प्रवेश किया इसने, अश्वत्थामा ने देखा पांडव नहीं है, पहचान लिया उन्हीं के बच्चे, लेकिन सोचा लेकिन अब मैं खाली हाथ कैसे लौट कर जाऊं, क्या वचन दूंगा, उनकी जगह मैं इसको मार देता हूं, दुर्योधन को पता भी नहीं चलेगा, वो तो मर ही रहा, बचने वाला तो है नहीं। यह सोच करके उसने पांचों भाइयों को मार करके एक कपड़े में पोटली में सब बांध लिया और कंधे पर लेकर भाग गया, सबकी गर्दन लेकर गया, लेकिन खून से सना था पता ही नहीं चल रहा था। कहा कि लो हमने तुम्हारे एक नहीं दो नहीं पांच के पांच शत्रु मार लाए। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, मित्र जो काम मेरे दादा परदादा नहीं कर पाए तुमने वो काम करके दिखाया है, मेरा पूरा मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। खुश हुआ, लेकिन संदेह हुआ कि अरे जो 100 भाई मिलकर हम नहीं मार पाए पांडवों को, वो इतने सहज में पांच के पांच कैसे मर गए, थोड़ा शंका है, इधर लाओ। दिखाया खून से सना, पहचान में नहीं आ रहा था, हाथ में लिया और यूं दबाया, खोपड़ी चूर हो गई। उसने कहा यह पांडव नहीं हो सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सच बताओ तुमने किसको मारा है। अरे पापी अत्याचारी, तुमने बड़ा अनर्थ किया है, सच बता। उसने कहा क्षमा करना मित्र, पांडव मिले नहीं तो हमने उसके पांच बच्चों को ही मार कर लाया। अरे निर्दयी, तुमने तो बड़ा अन्याय किया है, हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी, इन बच्चों से थोड़ी थी, आखिर हमारे जाने के बाद यही बच्चे तुम्हें पानी देने वाले थे, लेकिन तुमने तो आज पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। सच्चे शत्रु तो मेरे तुम निकले, पांडव मेरा शत्रु नहीं था, आज मुझे पता चला और इतिहास गवाही रहेगा मेरे मृत्यु का कारण पांडव नहीं है, मेरे मृत्यु का कारण तुम हो। इसको वरदान था दुर्योधन को कि हर्ष और विषाद जब एक साथ होगा तब इसकी मृत्यु होगी, और आज पांचों पांडव मारे गए सुनकर हर्षित हुआ। अब जब दबाया देखा पांडव ने उसका बच्चा मरा, इस दुख में हर्ष और विषाद एक साथ जब हुआ उसके प्राण निकल गए, दुर्योधन मर गया। उनको एहसास हुआ, अश्वत्थामा वहां से भागने लगा, आश्रम में गया भाग करके। इधर सवेरा होते ही जैसे पांडव रथ लेकर भगवान के साथ आए, द्रौपदी रो रही थी। अर्जुन ने द्रौपदी को खुश करने के लिए संकल्प लेकर भागे भगवान के साथ में, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया, अश्वत्थामा को मारना चाहा, द्रौपदी ने बचा दिया, यह कह कर कि यह गुरु पुत्र है, जान से नहीं मारना चाहिए, कोई और दंड दे सकते हैं। भीम ने कहा कि छोड़ोगे तो मैं मार दूंगा इसको, आतताई है। भगवान से पूछा क्या करना चाहिए, भगवान ने कहा कि ब्राह्मणो नैव हन्तव्य और आतताई बधारहना, ब्राह्मण को मत मारना, लेकिन
आतताई को छोड़ना नहीं, वध करना। अब सवाल है कि ये तो दो तरह की बात हो गई, नहीं मारना मार देना, अरे एक बात बोलना चाहिए ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ना उधर का ना इधर, ये तो दोनों बोल रहे। अर्जुन ने कहा कि केशव ये क्या पहेली पढ़ा रहे हो, हैं ब्राह्मणों नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। भगवान ने कहा कि गीता का पूरा पाठ पढ़ाया हूं, देखता हूं तू क्या निर्णय लेता है। गीता पढ़ के इस भाषा का सही अर्थ तो लगा कम से कम। अर्जुन समझ गया जान से नहीं मारना लेकिन दंड तो दे सकते। तुरंत उसके माथे से मणि को, जो सूर्यकांत मणि लेकर आया था, उखाड़ लिया, माथे से खून निकलने लगा, धक्का मार करके शिविर से बाहर कर दिया। ये भी कम नहीं था, चला गया। लेकिन जाते जाते उसने फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, सीधे उत्तरा के गर्भ में, जहां अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित गर्भ में पल रहा था। उत्तरा दौड़ी 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 भगवान के पास आई, हे केशव, हे माधव, रक्षा करिए, मुझे बचाइए, मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन जिस वंश की रक्षा करने के लिए आपने दिन रात परिश्रम किए, आज उस वंश का एक दीपक मेरे गर्भ में जल रहा है, जो आज वो भी बुझने वाला है। लोग कहेंगे, ताना मारेंगे, जिस वंश की रक्षा भगवान नहीं कर पाए तुम क्या करोगे, हम ऐसा सुनना नहीं चाहते। भगवान उनके गर्भ में प्रवेश करके सुदर्शन चक्र घुमाए, शांत किया प्रकोप। जब ब्रह्मास्त्र का प्रकोप शांत हुआ, बाहर भगवान ने श्राप दिया हिमन्यु को, इसको अश्वत्थामा को, कि तूने बड़ा अनर्थ किया है, जा, ये तेरा जो घाव है मस्तिष्क का, ये हमेशा ताजा रहेगा, मिटेगा नहीं, वो घाव कभी ठीक ही नहीं होता था। बाद में भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, सबसे विदाई लेने लगे, तो उस समय में द्रौपदी से कहा, तो द्रौपदी ने कहा, दुख में साथी आप हैं गोविंद, हम जानते हैं, सुख में साथी सब कोई हो सकता है। उत्तरा से विदाई लिया, सबसे विदाई लिया, सुभद्रा से विदाई लिया, वो तो कहने लगी कि भैया ऐसा ही आज ही मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा है। क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जाते समय अंतिम समय में कंठ कप से भर जाता है, स्मरण कैसे होगा, आज ही मेरे प्राण चले जाए तुम्हारे चरणों के साथ। भगवान ने समझाया, कुंती माता से विदाई लेना चाहा। कुंती माता ने कहा कि हे कृष्ण, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं, आज मुझे भगवान समझकर मुझे वंदन करने दो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितः। हे आद्य पुरुष, हे जगत के सृष्टा, जगत में निवास करने वाले, कण कण में समाए वासुदेव कृष्ण को मैं वंदन करती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पुनः पुनः प्रणाम करने लगे। भगवान ने अपने माया को फैलाया, बुआ
क्या कर रही है? मैं अपने भगवान का वंदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, तुम्हें क्या? अच्छा बुआ, यदि आप मुझे भगवान कहती हैं तो कुछ मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए कहिए तो। मांगने की बात कहते हो गोविंद, कुछ देकर निकलना चाहते हो, तब मांगती है, जो मांगती है आप सब जानते। विपद संतो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति प्रदान करो, दुख दे दो। क्यों? पेट नहीं भरा दुखों से? सारा जीवन तो दुखों में बिताई हो, कभी सुख भोगा आज तक? बचपन से लेकर आज तक विवाह हुआ, शापित पति से विवाह हुआ, पति का संपर्क होते ही पति की मृत्यु, विधवा होकर सारा जीवन बिताई हो, कभी सुख तो भोगा नहीं, फिर भी दुख मांग ले रही हो। हाँ केशव, उसका कारण है दुख के साथी तो तुम हो, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, हम सब जानते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो भी किसे भगवान तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो भी किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे तो सब ताली सेवा करते हुए, हम तो जानते हैं सब तुम्हारे दिए हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि तुम दुख तो देते हो लेकिन दुख में साथ भी देते हो। जब विपत्ति का समय था, बन बन में तुम हमेशा उपस्थित रहे, और आज जब राज्य की का वैभव मिला, राज्य की संपदा मिली, सुख के दिन आए तो तुम जा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। सुख के माते सिल पड़े ना वो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, कह
सो मेरा भजन सबसे बड़ी विपत्ति तो तब है केशव जब तुम्हारा साथ ना हो। सबसे बड़ी संपत्ति है ये तुम याद आते हो, कितनी बड़ी बात है। जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूं याद तो कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, भगवान ने कहा तो ठीक है, अब जाना कैंसिल, अब मैं यहीं रहता हूं। सबको खुश किया। महाराज युधिष्ठिर को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए और पितामह भीष्म से धर्म की शिक्षा दिलाई, वंदन किया। पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित किया। आकाश से देवताओं की श्रृंखला आ गई, सप्तऋषि आए, ब्रह्मा जी आए, सबने पुष्प वर्षण किया और पितामह भीष्म ने सबके देखते देखते महाप्रयाण कर दिया है। बोलो भागवत भीष्म की। परम भागवत परम वैष्णव महाराज भीष्म, जिनकी भीषण प्रतिज्ञा बहुत प्रसिद्ध है, महाप्रयाण होता है। भगवान द्वारिका जाते हैं और इधर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का आविर्भाव, परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित नाम, वैसे तो नाम रखा है इसका विष्णुराथ, विष्णुना रातः प्रदत्तः, भगवान के द्वारा प्रदत्त। जैसे किसी ने पूछा आपको पुत्र मिला, जी भगवान ने दिया, क्या बोलते हैं आप, भगवान का दिया हुआ है, भगवान आप्याच है, तो भगवान ने दिया। उसी तरह से जैसे ही पुत्र लेकर युधिष्ठिर महाराज की गोद में देने लगे पुरोहित, कहा कि लाइए, भगवान ने दिया है, विष्णु ना रातः, तो नाम पड़ गया विष्णु रात। लेकिन वो जन्म लेती चारों तरफ देखने लगा, देखने लगा तो पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि बात क्या है, ये बालक सबको तरफ क्यों देख रहा है, क्या कारण है, सबको घूर घूर करके देख रहा है, इतने गौर से देखता है, जो गोद में लेता उसी की तरफ देखता, क्या बात है। वेद व्यास जी वहीं पर थे, कहा कि बेटा दरअसल ये अपने भगवान को ढूंढ रहा है कि जो मां के गर्भ में, जिसने सुदर्शन चक्र चला करके मुझे उस गर्मी से, उस ब्रह्मास्त्र के तेज से रक्षा किया है, वो प्रभु कहाँ है, वो श्याम सुंदर, वो बाके बिहारी कहाँ है, मेरा प्रभु कहाँ है, वो तो उसको ढूंढ रहा है। पृथ्वी पे आकर के आदमी भूल जाता है। अकबर के दरबार में एक बार हाथी स्नान कराने के बाद, नहाने के बाद, वो धूल उठा उठा करके सूंड से अपने बदन पे डाल रहा था। अकबर को बड़ा बुरा लगा कि देखो अभी नहलाया गया, ये दुष्ट हाथी, गंदे में रहने की आदत है और ये गंदगी उठा उठा के अपने पीठ पे डाल रहा है। वहीं पर रहीम साहब थे, रहीम खान खाना, उनसे पूछा कि रहीम साहब आप बताइए ये क्या कर रहा है, क्या मतलब है। तो रहीम साहब ने कहा कि प्रभु राजद्वारे बैठ के, राजद्वारे बैठ के धूल धरत निज, उनका प्रश्न था, धूल धरत निज शीस पर कहो रहीम के ही काज, हे रहीम क्या कारण है। तो रहीम ने कहा कि जेहि रज ब्रज पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज,
जिस रज से जे रेणु से ब्रज के रज से नारियां तर गई, गोपियां तर गई, उसको ढूंढ रहा, अपने शीश पे डाल रहा। बड़े खुश हुए। कबीर साहब पहुंचे हुए थे वहीं बगल में, तो अकबर ने कबीर की तरफ देखा, बोले बाबा आपका क्या मत है? बोले ना गलत बात। बोले तो आप बताओ फिर क्या बात है? बोले कि राजद्वारे बैठ के माथा धुनत गयंद, ये जो गजंद है माथा पिट रहा है, धूल धर रहा है, राजद्वारे बैठ के माथा धुनत गयंद, मनुष्य जन्म कब पाई हो भजी हो परमानंद। मनुष्य का जन्म मिले मैं भगवान का भजन कर सकूं। आज परीक्षित ने जन्म लेने के बाद अपने भगवान को ही याद किया है। जन्मोत्सव में भगवान आए, बड़ा धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया, फिर भगवान विदा लिए। कुछ दिन के बाद भगवान जब अपनी लीला को स्मरण करके और पृथ्वी को छोड़ करके स्वधाम में चले गए, और महाराज युधिष्ठिर को बड़ा अपशकुन होने लगा। अर्जुन को पता लगाने के लिए भेजा, और अर्जुन जब खाली हाथ लौटे, सारी जानकारी मिली, तो महाराज ने सोचा कि जिस राज्य को भगवान ने की कृपा से प्राप्त किया, मेरा कोई अधिकार नहीं था, मेरी कोई क्षमता नहीं थी कि मैं राज्य को हासिल कर सकूं। समुद्र सा अपार सागर की तरह सेना को लिए खड़े इस कौरवों के सैन्य दल को कुचल कर पार होना मेरे बस का नहीं था, भगवान ने दिया। सुख दुख में वो साथ ही रहे, अब वो ना रहे तो हमारा रहना अच्छा नहीं। मात्र 30 वर्ष तक राज किए युधिष्ठिर महाराज। सबने अपने छोटे से पुत्र को बुलाया, परीक्षित को गद्दी पर बिठाया, पंचगव्य से स्नान कराया, और सुंदर आभूषण पहनाकर, मुकुट पहनाकर तिलक कर दिया, और सब वन के लिए प्रस्थान। आगे हरिद्वार, आगे आप जाएंगे सप्तऋषि आश्रम, सप्तऋषि आश्रम के सामने सप्तऋषि घाट है, वहाँ पांचों पांडवों का वो दिया हुआ है, स्वर्गारोहण का क्रम दिया हुआ, दर्शन करना। तो यहां से स्वर्ग के लिए आरोहित हुए, चले गए सब। इसलिए द्वार है हरिहर का द्वार है। और बाद में परीक्षित ने अपने राज्य का विस्तार किया जब बड़े हुए तो, और विस्तार करते करते एक दिन उसे कलयुग से मुलाकात हो गई। जो कलयुग गाय को पीट रहा था, वहीं एक बैल था जिसके 3 पांव कमजोर थे, 1 ही पांव सही सलामत, फिर भी उसको घसीटे, उसको मारे। परीक्षित को क्रोध आया, परीक्षित ने तलवार निकालकर उत्तर आए, खबरदार मेरे होते तुम जो गायों पर हाथ उठाया, अरे दुष्टों, काश परीक्षित की तरह यदि कोई भारत का राजा होता तो आज भारत में गोवंश का वध नहीं होता। भारत के ऊपर जो ये कलंक है गोवंश वध का, पता नहीं कब ये मिटने वाला है। भगवान इसकी रक्षा करते हैं बंधुओं, इसीलिए पृथ्वी है, वरना ऐसे अपराध पर लाखों लाख गौ माताओं को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, और जान करके भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, विकार है। परीक्षित तलवार उठा लेता, दुष्ट मेरे सामने तुम गौ माता पर हाथ उठाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? परीक्षित की आंखों में अश्रु आ गया, मेरी मां पर अत्याचार करता है, जिस गोवंश की रक्षा के लिए हमारे गोविंद ने, हमारे गोपाल ने जूता पहनना छोड़ दिया ब्रज में, कि हमारी गैया मैया तो नंगे पांव चलती है, मैं जूता पहनूंगा। और उसकी ये दशा, आखिरकार
तीन वत् शरणम गतः, वह जो था कली चरणों में लेट कर प्रणाम करता। बोले कौन है? बोले मेरा नाम कली है। कली मतलब मैं इस युग का राजा हूं, मेरा नाम कली है। कली का अर्थ है कलह, कलह जहां जाता हूं कलह करता हूं। उसने कहा खबरदार मेरे राज्य में शांति की अवस्था व्यवस्था स्थापित होगी, चले जाओ यहां से। उसने कहा कि कहां जाऊं, पूरी दुनिया में आपका ही राज्य है और मैं आपके शरण में आया हूं। और शरण में आने आए हुए व्यक्ति को जो मांगता है दिया जाता है, ठुकराया नहीं जाता। कृपा करके मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दे दो। तो दो चार स्थान बता दिया है, आप भी याद रखना। कलयुग से बचना चाहो तो इन दो चार स्थानों को अपने आसपास में नहीं होने देना। पता है क्या स्थान दिया? वो स्थान दिया है नशा, जहां पानम है ना, सुरापान होता है। तो सुरापान की शुरुआत तो गुटखे से होती है, शुरुआत तो सिगरेट से होती है। शुरुआत ही नहीं होने देना। यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर में कलयुग नहीं आना चाहिए, चाहे दुनिया में घोर कलयुग आ जाए, मेरा घर सुरक्षित रहे, तो अपने घर में नशा को घुसने मत दो। अपने घर से नशा को दूर करिए। यदि आप ऐसा करते हैं, द्यूतम, द्यूत कहते जुए को, जुआ समझती हूं सट्टाबाजी, लेकिन जुआ से, जुआ का छोटा भाई है जो आज घर घर में लोग खेलते ताश, ताश पत्ती, ये भी जुए का छोटा भाई है। अपने यहां से इसको भी दूर रखना। शुरुआत तो यहीं से होगी। उसके बाद स्त्रियः, स्त्रियों का चरित्रहीन होना घर में कलयुग का निवास होना तय है साहब। जिस घर में नारी चरित्रहीन हो जाएगी उस घर में कलयुग का प्रवेश। और कलयुग सबसे पहला काम करता है कि घर में कलह पैदा करता है, उस घर को बर्बाद होते विलंब नहीं लगता है, शांति नहीं हो सकती है। कहते हैं जैसे ससर्पेच गृहम वासः मृत्युरेव न संशयः, जिस घर में सांप घुस जाए आपको पता लग जाए तो क्या आप सुरक्षित सो पाएंगे? जैसे घर में सांप घुसने पर आप सुरक्षित नहीं सो सकते, उसी तरह से जिस घर में कली का निवास हो गया, जिस घर में नारियां अपवित्र हो गई, जिस घर में पुरुष अपवित्र हो जाता है, उस घर में सुरक्षित निवास नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, हिंसा, जिस घर में हिंसा होती है, जीव हत्या होती है, उस घर में कलयुग का निवास होता है। इन चार स्थानों को दिया, द्यूतम, पानम, द्यूत मतलब जुआ, पान मतलब नशापान, और स्त्रियों का चरित्रहीन होना, हत्या होना, इन जगह रहना। कलयुग ने कहा कि महाराज ये सब स्थान जो आपने दिया ठीक है, परंतु हमारे लिए अच्छा कोई स्थान नहीं दिया, कम से कम एक स्थान अच्छा दीजिए। बोले तो तुम मांग लो, क्या चाहिए? ठीक है, मुझे स्वर्ण में निवास दीजिए। किसमें? सोने में निवास दिया का तथास्तु। लेकिन हाँ याद रखना, अन्याय और अनीति पूर्वक लाए गए सोने में तुम्हारा निवास होगा, बाकी नीति पूर्वक मेहनत की कमाई से लाए सोने में तो मेरा गोविंद रहता है, भगवान का निवास है। और उसके बाद परीक्षित भूल गया, घर आ गया। एक दिन
परीक्षित ने घूमने की इच्छा से अपने खजाने में से सबसे सुंदर मुकुट कौन सा निकाला। जरासंध का मुकुट सबसे सुंदर था। उस समय भारत में मगध का नरेश जरासंध सबसे समृद्धशाली नरेश था। उसका मुकुट लिया, पहन लिया, बड़ा सुंदर लग रहा था। घोड़े पर बैठकर चला गया, खूब तेजी से अकेले निकल गया। रास्ते में प्यास लगी, व्याकुल हो गया। कहाँ गया? एक महात्मा जी के आश्रम में। कलयुग ने मौका, कलयुग बैठा मार चौकड़ी, चौकड़ी मार के बैठा था, मौका मिल गया। अनीति का अन्याय पूर्वक लाए गया सोना आज पहना है राजा ने, सिर पे सवार हो गया कलयुग। महात्मा के आश्रम में गए, समीक ऋषि के आश्रम में देखा तो महात्मा भजन कर रहे थे, पानी मांगा, वो तो भजन कर रहे थे। संतों में संदेह हुआ, ये तो पाखंडी लग रहा, आंख मुना हुआ है। परीक्षा लेने के लिए बाहर में एक मरा हुआ सांप था, जाते जाते उसको उठाया, संत के गले में लपेट कर चला गया। पता लगा बाद में उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आया, श्राप दिया है राजन, इतना अनर्थम, इतना अभिमान, मैं श्राप देता हूं, इति लंघित मर्यादा, तक्षक सप्तमे अहनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो मे तद्द्रुहम। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा को दंड मिलना चाहिए, जाओ मैं श्राप देता हूं, आज के सातवें दिन सर्पों का राजा तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा को यह संदेश मिला तो राजा ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा और घर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सुकताल चले आए, गंगा जी के किनारे हस्तिनापुर से।